कैप्टन सरकार ने शराब माफिया नूं हलारा देने संबंधी अपने वजीरां विधायकां ते विरोधियों वालों लाए गए इल्जामां दे चलदियां एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग दो हिस्सों में बंड दिता है। इस दे नाल ही एक्साइज विंग की टीम का गठन भी किया गया। पंजाब सरकार ने शराब तस्करी ते टैक्स चोरी रोकने लई इह वड्डा कदम चुकिया है। शराब के कारोबार से तस्करी को रोकने एक्साइज को वख-वख जिलों के हिसाब के नाल जोनों में वंड दिता गया। इस दे मुख तौर पर तीन जोन बनाए गए हैं। इन्हां विच पटियाला जलंधर ते फिरोजपुर जोन बनाए गए हैं। इन्हां जोनों में वख-वख शहरां ते जिलों को रखा गया है जिथे विभाग के अधिकारी तस्करी नकली शराब ते इंटर स्टेट माफिया ते ठोस कार्रवाई करन दे नाल नाल शराब के कारोबार में मिलने वाली मालिया ते खास नज़र रखेगा। हुण जिहड़े भी जोन दे अधिकारी ते शहर दे जिले विच चोरी अते तस्करी दे मामले सामने आउणगे ओह इस लई सिद्धे तौर ते जिम्मेवार होणगे। उहनां दी पूरी जवाबदेही होवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी। मोबाइल गेम खेलने दे नाल समय का तो नुकसान होंदा ही है, पर कदे किसी ने यह नहीं सोचा होना कि इस नाल लखां दा नुकसान किवें हो सकता है। खरड़ दे नाबालग लड़के ने कुछ ऐसा ही किया है जिसने सब नूं हैरान कर दिता है। मोबाइल गेम के शौकीन टीनेजर लड़के ने 16 लाख रुपए मशहूर मोबाइल गेम फूडक विच ला दिते। उसने एक थे तौर पर गेम विच एक महीने विच मास्टर बनने लई गेम अंदर वर्चुअल बारूद पास से आर्टिलरी खरीदी। हुण उसकी इस हरकत तो परेशान उसके पिता ने उसनू एक स्कूटर रिपेयर की दुकान से लगा दिता है। उसके पिता का कहना है कि उसनू यह एहसास दबाना चाहते हैं कि पैसा कमाना कितना औखा है। वह हुण लड़के नू घर वेला नहीं बैठन दे सकते। उन्होंने लड़के तो मोबाइल फोन भी खोलिया है। लड़के के पिता ने उसके भविख लई कुछ पैसे जोड़ के रखे सन जो उसने गेम में उड़ा दिते। 17 साल लड़के ने अपने परिवार के मैंबरों नू कहा कि वह ऑनलाइन पढ़ाई लई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। नाबालग लड़के ने कथित तौर पर 3 बैंक अकाउंट्स की वरतों करके गेम में खरीदारी की अपने टीम मैंबरों नू भी करवाई। परिवार को इस संबंधी जानकारी उदों मिली जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स देखियां। लड़के ने अपनी माता के खाते विचों भी 2 लाख रुपए तो अपने बैंक अकाउंट चो भी पैसे खर्च कर दिए ने। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी। कैप्टन सरकार ने शराब माफिया नूं हलारा देने संबंधी अपने वजीरां विधायकां ते विरोधियों वालों लाए गए इल्जामां दे चलदियां एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग दो हिस्सों में बंड दिता है। इस दे नाल ही एक्साइज विंग की टीम का गठन भी किया गया। पंजाब सरकार ने शराब तस्करी ते टैक्स चोरी रोकने लई इह वड्डा कदम चुकिया है। शराब के कारोबार से तस्करी को रोकने लई एक्साइज नूं वख-वख जिलों के हिसाब के नाल जोनों में वंड दिता गया। इस दे मुख तौर पर 3 जोन बनाए गए हैं। इन्हां विच पटियाला जलंधर ते फिरोजपुर जोन बनाए गए हैं। इन्हां जोनों में वख-वख शहरां ते जिलों नूं रखा गया है जिथे विभाग के अधिकारी तस्करी नकली शराब ते इंटर स्टेट माफिया ते ठोस कार्रवाई करन दे नाल नाल शराब के कारोबार में मिलने वाली मालिया ते खास नज़र रखेगा। हुण जिहड़े भी जोन दे अधिकारी ते शहर दे जिले विच चोरी अते तस्करी दे मामले सामने आउणगे ओह इस लई सिद्धे तौर ते जिम्मेवार होणगे। उहनां दी पूरी जवाबदेही होवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी।